हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार आ गए हैं नए प्रोजेक्ट के साथ जेपी इंफ्रा। जैसे कि आपको पता है कि पूरे मीरा रोड में जेपी 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 इतना सारा जेपी जेपी हो चुका है कि हम भी फ्लैट को बुक करते करते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी जेपी नहीं थका और जेपी के पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ ही रहे हैं। तो इस बार हम आपको जेपी के बारे में ए टू जेड चीज बताना चाहते हैं जो कि कोई भी चैनल पार्टनर आपको नहीं बताता होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको पूरा वीडियो देखना ही होगा। जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको सारी चीज, एक एक चीज, प्राइस, कॉन्फिगरेशन, बिल्डिंग का नाम, सारा कुछ पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द जेपी फेज वन, व्हिच नेम इज जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी। Basically, JP North has been divided into three phases. You will get all information by single phases. So let's start with the phase one, which name is JP North Garden City. मैडम, मुझे ऐसी पूरी आशा है कि जो चीज हम हमेशा अपने चार्ट में बताते हैं और बहुत ही अच्छा लोगों को समझ में आता है। जेपी नॉर्थ के बारे में बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन है, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन इस बार ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी। फर्स्ट, इन जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी देयर इज एस्टेला, एलेरा, एट्रिया, इफोरिया, एलेक्सा एंड अवीवा। कहने का मतलब ये सारे बिल्डिंग्स के नेम है। जब आप सुनते हो और कोशिश करते हो कि आपको किस बिल्डिंग में घर चाहिए, क्या रेडी टू मूव है, उसका पोजीशन कब होने वाला है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन जब भी आप जेपी के बारे में समझते हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हमेशा से बना रहता है, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं आपको पहले तो गिना दूं कि इसकी बिल्डिंग कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में आता है। तो इसमें आपको ये सारी बिल्डिंग मिलती है, बिल्डिंग्स प्रोवाइड होती है, जिनके नाम है एस्टेला, एलेरा, एट्रिया, इफोरिया, एलेक्सा एंड अवीवा। उसी प्रकार से ये सारे बिल्डिंगों का कॉन्फिगरेशन जो है, जैसे कि मैडम एक बार आपको बताएंगे और मैं भी आपको गाइड करूंगा, तो इसमें आपको ये चीजें समझ में आएगी कि हर बिल्डिंग में कौन कौन से कॉन्फिगरेशन के आपको फ्लैट मिलते हैं, क्या रेरा कारपेट है, क्या उसका यूजेबल एरिया है, क्या उसको सेलेबल एरिया है। तो इससे आपको ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बिल्डिंग का प्राइस और कारपेट एरिया और लास्ट में उसकी एमिनिटीज के बारे में आपको बताने के लिए। तो मैडम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिल्डिंग, एस्टेला, व्हिच इज रेडी टू मूव। इन एस्टेला देयर इज टू कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन ऑफ 1 BHK एंड 2 BHK। जैसे कि आपने देखा है कि मैडम ने जो बिल्डिंग का नाम लिया एस्टेला, उसमें दो प्रकार के घर आपको मिलते हैं, एक 1 BHK, दूसरा 2 BHK। और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूं, तो 1 BHK 693 है और 2 BHK में दो साइज है, 972 981। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसका कार्पेट एरिया एंड रेरा एरिया। उसी बिल्डिंग की हम अब बात करेंगे प्राइस की। सो फॉर 1 BHK इट स्टार्ट फ्रॉम 68 लाख ऑनवर्ड्स एंड फॉर 2 BHK व्हिच इज 2 वेरिएंट्स 88। बोथ कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन हैज इट्स फ्लैट वैल्यू बट इट इज इन रेडी टू मूव, सो देयर इज नो इन्वेंटरी अवेलेबल देयर। उसी प्रकार से हम बात करते हैं एलेरा का, ये भी रेडी टू मूव है, यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, ओसी के साथ ये बिल्डिंग तैयार है। इसमें भी दो साइज है, उसके साथ इसमें स्मॉल साइज जो स्टूडियो फ्लैट्स भी दिए गए हैं। सो 1 BHK इज 747 इट्स सेलेबस एरिया, 495 इट्स कार्पेट एरिया एंड इट्स रेरा एरिया इज 395 एंड इन 2 BHK 981 इज अ सुपर बिल्डअप एरिया, 650 इट्स कार्पेट एरिया एंड इट्स रेरा कार्पेट इज 546। जैसे कि आपको हमने पहले बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस आपको बता दिया है, मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी चीजें बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी बिल्डिंग की बात करते हैं, विच इज एलेरा। ये भी एक रेडी टू मूव है, इट इज इन
ready to move position. In this, there is a configuration of 1 BHK and 2 BHK. So, for 1 BHK, 747 is build-up area and its carpet area is 495 and its rear carpet is 395. In 2 BHK, the build-up area is 981, its carpet area is 650 and its rear carpet is 546. इसमें जैसे कि मैडम आपको पता है कि स्टूडियो फ्लैट्स भी दिए गए हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है. तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि एक एक बिल्डिंग, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका प्राइस हम आपको बता रहे हैं. तो मेरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो आप जब भी जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में आएंगे, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी. आपको सारा चीज ये चार्ट पर आपको मिल जाएगा. इवन आप उन जो बैठे हुए लोग हैं उनको बता सकते हैं कि एक सिलेक्टेड एरिया आपको चाहिए. तो इसकी प्राइस की बात हम करते हैं. तो 1 BHK का इसका जो प्राइस है 67 लाख में आपको पड़ता है और दूसरा इसका 2 BHK जो प्राइस है वो 83 लाख से स्टार्ट होता है. तो दोस्तों मैं बता दूं, ये दो बिल्डिंग जो भी हमने प्राइस बताई है वो सारे टेबल पे निगोशिएबल है. तो आप ये नहीं सोचे कि जो प्राइस लिख दी गई है वही फाइनल प्राइस है. आप जब भी बुक करने आएंगे आपको बेहतरीन से बेस्ट प्राइस आपको मिलेंगे. मैडम अब आपने दो बिल्डिंग्स के बारे में तो बता दिया, अब मेरी कोशिश है कि वी गो फॉर दी थर्ड बिल्डिंग विच इज एट्रिया. ये भी रेडी टू मूव है सर. इसमें जैसे आप देखते हो कि दो ही कॉन्फ़िगरेशन है. ऑलमोस्ट अभी तक जो हमने देखे हैं वो दो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, 1 BHK एंड 2 BHK आपको एट्रिया में भी मिलता है. ये भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है. इसमें 693, 455, 386, सेलेबल, यूजेबल एंड रेरा. तो आपको टोटल क्लेरिफिकेशन यहां पे मिलता है दोस्तों. ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं बताने वाला है कि आप क्या घर ले रहे हैं, उसका रेरा क्या होगा, उसका कारपेट क्या होगा और वो सेलेबल एरिया क्या होगा. उसी प्रकार से 2 BHK में दो टाइप है, 936, 945, उसका कारपेट एरिया 620, 630, 524. तो इसका जो प्राइस होता है वो 2 BHK प्राइस, जेपी ने जो प्राइस रखा हुआ है अपने एमिनिटीज के साथ में. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग इस तरीके से बुक कर रहे हैं कि लोगों को कुछ कॉन्फ़िगरेशन, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी वो बुक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उसका जो स्ट्रक्चर है, एमिनिटीज है, इट्स वेरी लग्जरियस प्रोजेक्ट एंड अ ह्यूज प्रोजेक्ट और काफी कंफर्ट प्राइस में आपको मिलता है. तो अब हम बात करेंगे इसके चौथे बिल्डिंग की. मुझे इसका प्राइस तो बताने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज. एट्रिया का प्राइस है 66 लाख ऑनवर्ड्स एंड फॉर 2 BHK इट्स 87 लाख ऑनवर्ड. बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये भी सोल्ड आउट हो चुका है, इसमें इन्वेंटरीज अभी अवेलेबल नहीं है. लेकिन फिर भी मैं मैडम बताना चाहूंगा, ऑन डिमांड पे अगर कोई भी फ्लैट कैंसिल होते हैं या मूव करता है कोई, तो डेफिनेटली आपको इसमें फ्लैट मिल सकते हैं. आप उसके लिए जरूर इंक्वायरी करें. ओके, सो ये था रेडी टू मूव. लेट्स गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज गोइंग इन नॉर्थ गार्डन. सो फर्स्ट वन इज इफोरिया. इट्स पोजिशन इज ऑन डिसम्बर 2020. So let me tell you about it configuration. अब तक हमने 1 and 2 BHK का configuration देखा, अब हम Euphoria में 2 and 3 bed का configuration start up करते हैं. इसका मतलब आप समझते हो कि जैसे JP ने बनाना चालू किया था, first, second, third and चौथी building में उन्होंने 2 BHK और 3 BHK का ही configuration रखा है और उसका area भी अगर आप देखते हैं तो काफी बड़ा होता है. 1053, 1386, ये सेलेबल एरिया है आपका. 680, 900 इसका कारपेट जो कि आप यूज करते हो. 589 और 780 ये आपका रेरा कारपेट है. तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका 2 BHK और 3 BHK काफी अच्छे एरिया में आपको बनाया गया है. तो अब मैडम बात करेंगी प्राइस. सो द प्राइस फॉर 2 BHK इज 94 लाख ऑनवर्ड्स एंड फॉर 3 BHK इट्स 1.35. वाओ, कहने का मतलब ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि जो रेडी टू मूव होती है वो प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो अलग होती है और जो थोड़ा रुक के आपको मिलती है उसमें आपको भी सहूलियत मिलती है.
तो मैं चाहूंगा कि अभी तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है चैट के जरिए थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अब चलते हैं इसके पांचवें बिल्डिंग की बात, जिसका नाम है एलेक्सा। इट्स पोजिशन इज सेम एज इन डिसेंबर 2022। सो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट एलेक्सा हैज ओनली वन कॉन्फिगरेशन विच इज फॉर 1 BHK। और ज्यादातर लोगों ने इसी में ही फ्लैट ज्यादा बुक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ज्यादा करके 1 BHK का कॉन्फिगरेशन है और काफी बड़ा एरिया है। 4 1 BHK के फ्लैट इसमें बनाए गए हैं ताकि छोटे मोटे उसके जो कॉन्फिगरेशन है उसमें चेंजेस है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव में क्या डिफरेंस है। रेडी टू मूव में आपको ओसी मिलती है, आपको पानी आ जाता है, आपको गैस पाइपलाइन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग तैयार होती रहती है, तो जब उसका ओसी आता है तो उसका प्राइस दोस्तों थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आप कम कंफर्म हो जाते हैं कि आप रहने के लिए आ सकते हैं। तो हम चलते हैं एलेक्सा की तरफ। एलेक्सा का जो आप देखेंगे तो 738, 783, 711, 693, तो 693 इसका सबसे छोटा कॉन्फिगरेशन है। अब छोटा कॉन्फिगरेशन में अगर आप देखेंगे यूज करने के लिए और इसका रेरा, तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा उसमें। आपको अगर आप देखना चाहेंगे तो कारपेट जो है 488, 393, 470, 455, 508, तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्फिगरेशन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं और उसके प्राइजेस में भी एक छोटा सा आगे पीछे हुआ है। तो मैडम बात करेंगे प्राइस के बारे में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम हमेशा कोशिश करती हैं प्राइस बताने की। थैंक यू सर फॉर योर अप्रिशिएशन। सो लेट्स गो फॉर द प्राइस। सो फॉर 738 प्राइस इज 65 लाख एंड फॉर 783 इट्स गोज फॉर 68 लाख ऑनवर्ड्स एंड फॉर 711 इज 64 लाख एंड फॉर द स्मॉल कॉन्फिगरेशन व्हिच इज 693 इज गोज फॉर 62 लाख। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन फॉर दिस। This is already sold out. There is no inventory available in 693 area. छोटा एरिया होने के कारण से दोस्तों ये कोशिश होती है कि लोग जल्दी से जल्दी उसको अपने नाम पर बुक कर लेते हैं। वैसे ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, इतने सारे बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि आप अगर आते हो तो डेफिनेटली आपका सपनों का घर आपको मिलता है विथ ऑल द एमिनिटीज के साथ। अभी तो हमने बात ही नहीं की है इससे भी कम प्राइस में, लेकिन समय थोड़ा आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये घर मिलता है 1 BHK कितने में? 44.50 लाख में। क्या बात है। तो दोस्तों 1 BHK का कॉन्फिगरेशन इसका है 562 सेलेबल एरिया, 360 कार्पेट एरिया और 301 इज द रेरा कार्पेट एरिया। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत ही अच्छी कोशिश की कि आपको इस चार्ट के जरिए सारा कुछ एक्सप्लेनेशन करने के बाद, मैं चाहूंगा कि आप इसे जूम करके देखें और समझने की कोशिश करें और हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करें, तो हम अपने आपका सपनों का घर जो है, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हम उसे बुक करने के लिए आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे दोस्तों लोगों ने हमें बताया कि आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसे सुनकर हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी जो कोशिश है वो कामयाब हो रही है। अब हम आगे चलते हैं इसकी एमिनिटीज के बारे में। एक सेकेंड सर, एमिनिटीज स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले जो हमने आपको बताया 44.50 लाख ऑनवर्ड्स, मैंने अभी तक आपको उसका नाम नहीं बताया। क्या बात है। नाम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सबसे छोटा कॉन्फिगरेशन है जो बहुत फटाफट जिसकी बुकिंग हो रही है, उसका नाम है अविवा। थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता है। सो अविवा इज ओनली फॉर 1 BHK कॉन्फिगरेशन, जिसका कार्पेट एरिया सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। 562 इट्स सिलेबस एरिया, 360 इज इट्स कार्पेट एरिया एंड 301 इट्स रेरा, which is only starts from 44.50 lakh onwards. मुझे तो नहीं लगता कि पूरे मीरा रोड में इतना सस्ता कॉन्फिगरेशन मिलता होगा, लेकिन आप सच कहता हूं, आप एक एक बार विजिट करिए सिर्फ हमारे कहने से। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। डेफिनेटली अगर हम आपको सही जानकारी अगर दे रहे हैं
तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर कॉल करो। कॉल करने से आपको प्रॉपर्टी दिखाने से लेकर हमारी सर्विस से लेकर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी चीज समझ में आएगी। और हम बहुत ही अच्छा काम जेपी के साथ कर रहे हैं और जेपी भी बहुत ही अच्छा काम कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं। सारी सहूलियत के साथ में आपको अपने सपनों का घर मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एमिनिटीज, जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज वेरी लग्जरियस एंड अफोर्डेबल बजट प्रोजेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या एमिनिटीज मिलती है। यू कैन सी मैंने उसको बहुत ही बाइफोग्रेशन के साथ नोट डाउन किया है ताकि आप उसे जूम करके देख सके। सो फर्स्ट स्टार्ट विद दी हेल्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ वी आर हेल्दी देन एवरीथिंग इज गुड। सो फॉर हेल्थ देयर इज अ जॉगिंग ट्रैक, योगा पवेलियन, जिम, स्टीम एंड सोना, जहां आप बैठ कर जॉगिंग करेंगे तो फिट रहेंगे, योगा करेंगे तो भी वी आर वेरी फिट। जिम दिया हुआ है जहां यंगस्टर्स का मतलब कहने का मतलब है हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें आपको दी गई है। शॉपिंग, सबसे पहले मैडम ही शॉपिंग के बारे में बताएंगे क्योंकि औरतों को शॉपिंग का बड़ा ही शौक होता है। गुड पॉइंट। सो नियर बाय एवरीथिंग इज देयर, लोकल कन्वीनियंस स्टोर, शॉपिंग एग्रेट, देयर इज अ मॉल, हम वहां पर जाके आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। सर आप भी आइए, मजा आएगा। स्पोर्ट्स जरूर जरूर जरूर, स्पोर्ट्स बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, बॉक्स क्रिकेट है, नेचर से रिलेटेड सारी चीजें हम आपको जल्दी से जल्द बताते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर गार्डन के रिलेटेड आपको मिल जाती है। गार्डन, फ्रूट गार्डन, अगर हमें गार्डनिंग करना है फ्रूट्स रिगार्डिंग तो देयर इज अ सेपरेट फ्रूट गार्डन जहां हम गार्डनिंग कर सकते हैं। देन देयर इज अ मेज गार्डन, जेन गार्डन, कम्युनिटी गार्डन, हर्ब एंड स्पाइसेस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, इतने सारे गार्डन है कि समटाइम्स हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके बच्चे और जब आप एक साथ निकलेंगे अपने प्रोजेक्ट में और जब आप घर ले लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि आप कहीं तो भी सपनों का घर जो आप दिमाग में सोचते हैं वो आपको जमीन पर मिला हुआ है। तो हम आगे बात करते हैं रिक्रिएशन, जो यंगस्टर्स यानी कि मुझसे रिलेटेड है। सो बॉनिक्यूट हॉल, एम्पी थिएटर, क्लब हाउस जहां हम जाना बहुत पसंद करते हैं, मिनी थिएटर एंड पैक लाइब्रेरी जहां हम स्टडी कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ क्लब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अंधेरी, सांता क्लूज नियर बाय में मिल जाएगा, सो पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं। नाउ मोर, और भी बहुत कुछ है इसमें जो आपको सर बताएंगे। बड़े कोशिश ये होती है कि दोस्तों की एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिले। आपके अगर गेस्ट आ रहे हैं और आपने भले ही छोटा सा जो आपका सपनों का घर बुक किया हो, आप और अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या आपका कोई गेस्ट आ रहा है, मम्मी पापा या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उसको आप बहुत से कम अमाउंट में बुक करके आप गेस्ट रूम में रह सकते हैं। पर डे का जो भी खर्चा होता है, बहुत ही लिमिटेड खर्चा है, उसको देकर आप उनके साथ रह सकते हैं। दूसरा मीटिंग रूम्स है, मीटिंग रूम्स के लिए आपको कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप मीटिंग रूम्स जो है, कॉन्फ्रेंस रूम जो है, आप उसको बुक कर सकते हैं और इंडिविजुअली उसको आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर जहां पर हम आराम से पीस ऑफ लाइफ, रेस्ट ऑफ लाइफ रख सकते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी जो कोशिश होती है उस चार्ट के जरिए, आप इस चार्ट को बड़े ही ध्यान से देखिए। बिल्डिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस, एमिनिटीज और क्या क्या प्राइस किसके अगेंस्ट में, रेरा का क्या आपको एरिया, कारपेट, सेलेबल एरिया, एवरीथिंग आप इसे जूम करके पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं अभी आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देनी थी। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए तैयार करेंगे जिसका जो नाम है सस्पेंस है। मैडम प्लीज नाम ना बताइए, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके सारे वीडियोस और जो कहते हैं ना कि ओरिजिनल वीडियोस है, ओरिजिनल फोटोज है, ओरिजिनल क्लब हाउस है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम जो आपको बताएंगे वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वो भी जेपी का ही होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारे कंटिन्यू सून, आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही है और आपके बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं
कि कुछ बिल्डर्स ने हमें सामने से फोन किया है, सामने से मिले हैं कि प्लीज हमारे लिए भी आप वीडियो बनाए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सम्मान है और हम थैंक्स कहना चाहेंगे और डेफिनेटली हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि एंड कस्टमर यूजर को फायदा हो और पूरी जानकारी मिले। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। 20 मिनट का हो गया। अरे रे, इस फिर और एडिट करेंगे हम इसको।